भागवत सेवा परिवार मुरादाबाद द्वारा श्री गीता ज्ञान मंदिर गीतपुरम मुरादाबाद में 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2023 तक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा अमृत का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक चैतन्य मृदुल जी श्री धाम वृंदावन से पधारे हैं। आज का कार्यक्रम सर्वप्रथम कलश यात्रा से प्रारंभ हुआ। कलश यात्रा गीता ज्ञान मंदिर से प्रारंभ होकर कोठीवाल नगर में घूमकर वापस गीता ज्ञान मंदिर पर समाप्त हुई। यात्रा पर जगह जगह जनता ने पुष्प वर्षा करी। सात दिवसीय भगवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भैया, संदेश तो यही है कि एकता रहे और ये हमारा जो संस्कृति है ये बढ़ती रहे आगे। बस सब लोग सनातन धर्म अमर रहे। इस कथा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया, है तो नॉर्मल कृष्ण कथा ही, सबने सुनी भी हुई है, लेकिन हर वक्ता, मतलब जो भी वक्ता कथा करने आता है उसका संदेश हमेशा अलग ही होता है। कहाँ से लोग आए हैं? हाँ जी, ये वृंदावन से आए हैं। मथुरा? हाँ जी, मथुरा वृंदावन। मृदुल कृष्ण शास्त्री जी, रविनंदन शास्त्री जी के पुत्र हैं ये। उनकी हम 5 साल से कथा यहाँ करवा रहे हैं। उनके बेटे पहली बार आए हैं यहाँ पे कथा। मैसेज देने चाहेंगे मुरादाबाद के जनता को? मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आके भागवत का लाभ उठाएं। बस मेरा यही संदेश है, सबको आशीर्वाद मिले। कई तारीख से लेकर चालू हो रही है? आज पहला दिन है, 8 तारीख से 14 तारीख तक है, और अब बस 10-15 मिनट में शोभा यात्रा निकलेगी। इस बीच में क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं? कृष्ण जन्म होगा, रुक्मणी विवाह होगा, अपना ये 56 भोग का प्रोग्राम होगा, गोवर्धन क्रिया। हाँ जी, युवा संत मृदुल शास्त्री जी महाराज पधार रहे हैं, जो हमारे परम गुरु श्री रविन्द्र शास्त्री जी के सुपुत्र हैं।